देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे थोड़ा ओवरफ्लो हो गया पानी का, बीच में नदी बनते हुए। हम लोग के आने से पहले ही खाना खाने बैठे थे। तो सर कुछ बताना चाहेंगे, यहाँ का खाना पीना समोसा वमोसा कैसा था? ये लोग करते हैं बताना चाहेंगे मैम, वैसे क्वालिटी अच्छी होती है, बड़ी बात है। हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ थे कॉलेज, और आज मैं अपने कॉलेज को एक्सप्लोर करूँगा और मेरा फ्रेंड भी रहेगा, चलते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिए गाइस। तो गाइस हम लोग कॉलेज पहुंच गए हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है और हैंडबॉल ग्राउंड है। आपको जो गेम पसंद है वो खेल सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, ये बुड्ढा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है थोड़ा। अरे गाइस ये क्रिकेट ग्राउंड अभी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो पसंद आएगा वो गेम खेल सकते हैं। क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल की भी खेल सकते हैं, हैंडबॉल भी खेल सकते हैं, पकड़ा पकड़ी भी खेल सकते हैं। और गाइस काफी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। मेरे से जो राइट साइड में है तो बुद्धा का हॉस्टल है, ये बॉयज हॉस्टल है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, और बीच में जो हॉल है और जिम भी वहीं बीच में ही पड़ा है। अभी आप लोग देख सकते हैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है जो अभी कंस्ट्रक्शन है, और ये बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फाइनल आप तो अभी बुद्धा जिसके लिए फेमस है उस साइड हम लोग आए गए, बीते गए। तो गाइस अभी और एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, उसके बगल में बास्केटबॉल ग्राउंड है, और ये टेनिस। और आप देख सकते हैं अभी बुद्धा इंस्टीट्यूट पूरा एकदम बढ़िया से एक्सप्लोर करते हुए, अभी इसका सामने से एक पूरा टॉप व्यू से आपको अभी दिखाएंगे। ये यहाँ पे जो है ये बीटेक का है, उसके जो मेरे से जो राइट साइड में हो डिग्री कॉलेज, ये डिप्लोमा उप्लोमा पॉलिटेक्निक सब आप वहाँ से कर सकते हैं। और ये हमारा स्टेज है, देख सकते हैं फंक्शन जो बुद्धा फेस्टिवल होता है, टेक विजार्ड होता है, तो उसका स्टेज यहीं पे पूरा सेटल हो जाता है। और जो अभी लास्ट वीक हमारा जो फ्रेशर पार्टी हुआ था जिसकी वजह से गला ख़राब है मेरा, वो यहीं पे मनाया गया था। और ये बास्केटबॉल ग्राउंड है देख सकते हैं, और दूसरा वहाँ पे काफ़ी बड़ा ये भी है, मतलब फुल एकदम पिच भी नीचे आप देख सकते हैं गाइस, वेल डेवलप्ड है, एकदम मेंटेन्ड है। और अभी जैसे सनसेट का टाइमिंग हो रहा है, इसके लिए इंस्टीट्यूट को दिखाने में थोड़ा ब्लैकिशनेस आ रहा है, लेकिन आपको किसी दिन मौका मिलेगा तो अच्छे से वो भी दिखा दिया जाएगा। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो गाइस अभी चलते हैं आगे, देख सकते हैं गाइस जिस पे कॉलेज है तो उन्हीं का प्रतिमा रहना तो कॉलेज में स्वाभाविक सी बात है। तो आप देख सकते हैं बुद्धा जी का मूर्ति है, बहुत मस्त है गाइस, बहुत बड़ा है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कॉलेज, अभी देखिए आधा पार्ट कवर हो रहा है तो आधा नहीं हो रहा है। ये छोटा सा एक मिनी पार्क बनाया गया है गाइस, आप इसमें आके लंच ब्रेक में या फिर जो हॉस्टल में रहते हो लोग आके शाम के टाइम पे पार्क करके भी एक मज़ा ले सकते हैं गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे बेंच वेंच लगाया गया है, ग्रीनरी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं अगर आपको एडमिशन कराना है तो आपको इस वाले ब्लॉक में आना पड़ेगा, यहीं पर डायरेक्टर सर का भी ऑफिस है सबका। देख सकते हैं वो ये डिग्री कॉलेज है, ये बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें बीटेक। अच्छा अभी कराए नहीं है? अच्छा ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं अभी भाई लोग एडमिशन कराने के लिए आए हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं एडमिशन कराने के लिए, और पार्क में बैठ भी सकते हैं, फुल इंजॉयमेंट। सुधीर वी जॉन वो भाई लोग भी अभी सब्सक्राइब करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए टेक विजार्ड के दिन ये भी एक प्रोजेक्ट था गाइस, तो अभी ओनर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज नॉट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट, सो वी कांट एक्सप्लोर दिस प्रोजेक्ट एनी मच मोर, सो वी विल कीप ऑन गोइंग, इफ वी फाइंड समथिंग आई विल स्टार्ट शोइंग यू, सो प्लीज मेंटेन एंड बी ऑन दिस वीडियो टू गाइस। नाउ यू कैन सी दैट वी आर एंटरिंग इन द बुद्धा, अभी अटेंडेंस लग रहा है, देख सकते हैं ये मेरा फ्रेंड है, अभी अटेंडेंस हो रहा है हम लोग का। हमारे
यस सर। तो गाइस देख सकते हैं हमारा लाइब्रेरी है। हाय गाइस। आगे का गेम करो ये। ओम टीटी। हाय गाइस। आज हम लोग आए हैं बुद्धा के लाइब्रेरी में। बुद्धा के ना गाइस। ये हमारा कॉलेज का लाइब्रेरी है और सामने लड़के लोग SBL का क्लास मिस करके आए। SBL सर का क्लास के टॉपर लोग। और चलिए आज लाइब्रेरी को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। हालांकि बच्चे लोग ज़्यादा है नहीं। अगर आपको वो आप भी सेम क्लास IT फर्स्ट ईयर आप बताएंगे देख सकते हैं गाइस, हम लोग का कंप्यूटर लैब है, देख सकते हैं। यही हम लोग का कंप्यूटर लैब है, यहीं पे हम लोग को सिखाया जाता है। अभी हम लोग डिप्लोमा वाले ब्रांच में घुस गए हैं, देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं, इधर हम लोग का बाइक वाइक खड़ा होता है। पार्किंग एरिया है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। हम लोग अभी तीसरे फ्लोर पे हैं। वही यार, और इधर देख सकते हैं, इधर सामने गांव है, गांव है भाई। आज सर जैसे देख सकते हैं अभी आप लोग सर डिप्लोमा से हैं कौन सा यार। तो आप देख सकते हैं भाई, ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर काउंसलिंग से कि डायरेक्ट है। कौन से ब्रांच से? ब्रांच कौन सा है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। फैकल्टी वैकल्टी कैसे है? सब बढ़िया है। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? कोई दिक्कत? हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, रूम लिखे हैं। कहाँ से आए? अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम नहीं बताया सर? राजन। ठीक है सर। शाम को देख सकते हैं सर गाइस, यहाँ पे थोड़ा ओवरफ्लो हो गया पानी का, बीच में नदी बनते हुए। तो गाइस अभी हम लोग फुल एंटर हो चुके हैं BDC बुद्धा डिग्री कॉलेज में। तो यहाँ का भी लगता है फिलहाल क्लास व्लास यहाँ का भी लगता है थोड़ा बंद है। ये BDC का सेमिनार हॉल है गाइस। कोई भी फंक्शन वंक्शन होता है, इंजीनियर्स डे का भी सेलिब्रेशन यहीं पे हुआ था। यहाँ गाइस यहाँ पे क्लास है लेकिन क्लास चालू नहीं है। तो नीचे चलते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे देखते हैं नीचे चालू होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं BDC में अगर आप आएंगे तो आपको एक छोटा सा नदी भी क्रॉस करना पड़ेगा जिसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो बिनती, अगर यहाँ पे आते तो आप जूता भी मत पहन के आइए। यहाँ पे ग्लास लगाएगा, बंदर उंदर ना आ जाए, चिड़िया उड़िया। और सनलाइट पूरा एकदम मॉडिफाई हो गया है। लेट हो चुका है, भूख भी लग रही है। अभी चलते थोड़ा कैंटीन को भी एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताते हैं। तो अभी हम लोग हैं BTech में, और BTech से अगर आपको कैंटीन जाने का तो आपको पूरा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे पहले कैरम बोर्ड हुआ करता था लेकिन अब वो हट गया है, उसको अभी फार्मेसी में ले जाके शिफ्ट कर दिया गया। और ये आपका फ्रेंडशिप बेंच है, अगर आपका दोस्त है, आप कोई मेमोरी लेना चाहते हैं तो बुद्धा में आके, तो यहाँ पे आप लोग आके फ़ोटो खिंचवा के अपना एक मेमोरी सेव कर सकते हैं। और ये हम लोग अभी चल दिए सीधा कैंटीन की ओर। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, समोसा चाय और जो आपको खाना वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कैंटीन में। शाम का मौसम अभी जैसे सब जगह क्लास चालू, इसके लिए बच्चे लोग ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, वरना लंच ब्रेक और टी ब्रेक में यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, पूरा जाम लग जाता है। और सर देखिए सर हाई करते हुए सर अभी कैंटीन को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ तो सर जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग आ गए कैंटीन में। अंदर जाए क्या?
देख सकते हैं कैंटीन क्या है। यहाँ पे आप खाने के लिए समोसा, चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक जो चाहिए वो ले सकते हैं, चाय भी मिलेगा। और यहाँ पे अभी नीतीश कुछ ऑर्डर करते हुए, और इधर देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक का ढेर है। और आप ये देख के तो जान ही सकते हैं खाली 2 दिन का सेल है, 2 दिन के बाद ये खाली हो जाते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे खाली कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बिकते हैं। तो गाइस अभी नीतीश मिश्रा सामान खरीदते हुए समोसा खरीदते हुए और ये अंकल अपना पोज देते हुए समोसा खा चुके हैं। यहाँ पे पानी उन्हें पिया जाता है, यहाँ पे हाथ धुला जाता है, यहाँ पे पानी पिया जाता है। गाइस द ओनर ऑफ दिस चैनल इज वॉशिंग हिज हैंड, पीने के पानी से हाथ धो रहा है। तो गाइस जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग खा चुके हैं। तो गाइस जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं सर लोग हम लोग के आने से पहले ही खाना खाने बैठे थे। तो सर कुछ बताना चाहेंगे यहाँ का खाना पीना समोसा वमोसा कैसा था? ये लोग करते हैं बताना चाहेंगे मैम? वैसे क्वालिटी अच्छी होती है, बढ़िया होती है। हाँ सर बताए, सब अच्छा मिलता है, वैसे टेस्ट सब अच्छा रहता है। हाँ सर, तो देख सकते हैं सर भी अभी खा के बैठ चुके हैं। हाँ सर थैंक यू। तो गाइस अभी आप लोग जैसे देख, हाँ सर देखिए सर ये भाई भी हाथ दिखा रहे हैं। तो सर आप क्या खाने के लिए आए यहाँ पे? बिरयानी भैया। बिरयानी मिलता है क्या यहाँ पे? समोसा मटर, समोसा मटर खाने आए हैं। मतलब तो लोगों का मोबाइल लेके अपना देखिए सामने वाले को पता ही नहीं, देख सकते हैं डालेंगे अभी तो भाई नेट लग रहा है इसका खत्म हो गया है। तो नसीब साथ ना देते हुए फोन देख सकते हैं गाइस ये बैडमिंटन फील्ड है कि ग्राउंड कर जला यार, बैडमिंटन फील्ड है। और यहाँ पे अभी हम लोग के पास बैडमिंटन नहीं, इसके लिए हम लोग खेल नहीं रहे हैं। तो गाइस अभी वर्कशॉप की ओर चला जाए। तो गाइस अभी हम लोग चलते थोड़ा वर्कशॉप को भी एक्सप्लोर करते हैं अपने चैनल पे। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग वर्कशॉप पे पहुँच के उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आप लोग के सामने। तो देख सकते हैं गाइस अभी हम लोग वर्कशॉप की ओर जा रहे हैं। अगर आप वर्कशॉप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा गाय भैंस का भी नज़ारा मिल जाएगा। तो अभी हम लोग देख सकते हैं एकदम वर्कशॉप के गेट पे आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग वर्कशॉप में एंट्री होते हुए देख सकते हैं यहाँ पे वर्कशॉप आ गए। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मशीन का नॉलेज देते हुए। यहाँ पे बिल्डिंग का काम होते हुए देख सकते हैं गाइस, स्टूडेंट्स लोग कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं बिल्डिंग करते हुए। गाइस गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक बाइक बना के रखा गया वर्कशॉप में जो अभी चलने के लायक नहीं है, लेकिन जिसने भी इसे बनाया बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के बहुत बढ़िया बनाया था। जब ये बना होगा तो इसको चलाने में भी बहुत मज़ा आया होगा। देख सकते हैं गाइस कितना मस्त मॉडिफिकेशन किया है, और इसको एज ए रफ रोड पे चलाने के लिए बनाया गया लगता है। सबसे शानदार बात इसका साइलेंसर है गाइस, गोल गोल घूमता है मशीन गन की तरह, देख सकते हैं। अरे देखो यार, देखिए गाइस। यहाँ पे लगता है कुछ और प्रोजेक्ट हो रहा था, लेकिन थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा मिस हो गया होगा। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स लोग, अभी हम लोग इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको इनका काम करने दिया जाए। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा बाहर की ओर। टाइम होने वाला है अभी 4:30 बजे, छुट्टी हो जाएगा बुद्धा का। अभी ये बुद्धा का कैंपस गाइस इतना बड़ा है कि इसको एक वीडियो में एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल है। तभी भी हम लोग जितना हो सके उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस अभी हमारा वीडियो जाएगा एक एक टॉपिक में आएगा, किसी दिन बुद्धा फार्मेसी से आएगा, डिप्लोमा से आएगा, फिर किसी दिन होटल एंड मैनेजमेंट से आएगा। क्योंकि हम लोग ने सोचा था सब चीज़ को एक ही दिन में कवर करने को, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था गाइस। तो अभी एक एक करके टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे।
तो प्लीज़ जो भी नए आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा नहीं आपको सिर्फ बुद्धा का ही, बाकी का भी, कॉलेज का, गोरखपुर को भी, खलीलाबाद को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, आसपास के जितना एरिया है। बस आप लोग का सपोर्ट एंड लव बने रहना चाहिए। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे कृपया करके, कमेंट भरपूर के कर दे, भले ही गाली दे लेकिन कमेंट कर दे कम से कम कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए।